देखिए दोस्तों, यहाँ पर आए हैं सांप। कौन सा सांप है? रोहित। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल शाम से यहाँ पर खड़े हैं, तो यही ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं, तो आए हैं थोड़ा सा एलिमेंट मिलाने के लिए। जानते करते नया गाड़ी में, अगले बार दिखाया था आपको टायर दबाया हुआ था, तो हम तो बोले कि टायर में बीमारी रहता है, लेकिन फिर भी बोलते नहीं एलिमेंट मिला लो, तो आए हुए यहीं पे एलिमेंट मिलाने के लिए। यहीं पे अभी एलिमेंट मिलाएंगे। अभी कल शाम से ही आए हुए हैं, लेकिन कल दो किसी को बात हो रहा था, लोडिंग में भी जाना है, इसलिए मना कर दिए कि उतना शाम में मतलब काम नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा तो हम कहेंगे ठीक है, तो शेड ब्लॉक लोडिंग में जाना है। तो मेरा भी कुछ अपना निजी काम था, वो भी नहीं हो पाया, मतलब कोई काम ही नहीं हुआ, ना मेरा अपना काम हुआ, ना गाड़ी काम हुआ, ना ही लोडिंग है हुआ। ठीक है, देखते हैं अभी 9-10 बजे आएगा सब, तो पहले कराते हैं काम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आए हैं सांप। कौन सा सांप है? नाम बता। रोहित। तो दोस्तों नहीं। ये रहा सांप, हमको डर नहीं लगता है, पापा को लगता है, रोहित को भी लगता है। छुके देख नहीं है ना। ये देखिए, ये सागर का काम है, कोई भी सांप उसको पकड़ लेता है, इसको डर नहीं था, हमको डर नहीं लगता, लेकिन इसका जो गुलगुल पड़े ना, मुलायम पन, ये हम लोगों को थोड़ा डर लगा, ये लगता है। आ देखिए, पकड़ा उसको। हाँ, ये देखिए सांप, इसको ये ऐसे भी घर में भी रहता है ना, तो कोई भी सांप को पकड़ लेता है, समझे। देखिए रोहित का भी हिम्मत हुआ है। ये देखिए रोहित का, देखो अब हिम्मत कर रहा, धीरे धीरे साहस कर रहा, पकड़ देगा, दबाना मत, दबाएगा तो हाथ में काट देगा, फिर काटने से फर्क नहीं पड़ता, जहर वर नहीं रहता। हमको गुलगुलपन से लगता है, वो एनर्जी लगा, गुलगुलपन जो होता है ना, हमसे वो नहीं पकड़ाता है। इसका एक बार फन उठाओ ना, एक बार फन उठा, अभी यहाँ जमीन पे उठाया था फन, अभी अच्छा। तो अभी दोस्तों रोहित को भी थोड़ा हिम्मत हुआ। देखिए थोड़ा हिम्मत हुआ है, तो गला में रखा। ले भाई दोस्तों, गाड़ी लगा दिए हैं यही यहाँ पे, अभी यहाँ एलिमेंट मिलवाना है, तो एलिमेंट मिला, खाली गाड़ी मौका मिलता नहीं है रायपुर में जल्दी ना, तो मिला है तो एलिमेंट थोड़ा मिलवा दे रहे हैं। मेरा काम चालू हो गया, कौन सा टायर दबा रहा है, क्या हो रहा है, रेटिंग का मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, काम करा के फिर देखते हैं किसमें क्या बीमारी है। दोस्तों मेरा काम तो हो चुका है यहाँ पे, तो अब निकलते हैं हम, अभी लोडिंग का बात हो गया, तिल्दा जाना है यहाँ से, हमको तिल्दा नेहरा वहीं से DOC भरना है कोल्हापुर साइड का। दोस्तों ये रायपुर का ट्रांसपोर्ट नगर मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। कारण क्या है, किस लिए बता दे रहे हैं कि अगर आप गाड़ी का काम कराइएगा तो यहाँ एक से एक मिस्त्री मिल जाएगा, सामान के लिए भी आपको अगल बगल सब जगह, चाहे नया लीजिए या सेकंड हैंड लीजिए, क्योंकि हम भी काम करा चुके हैं यहाँ पे, इधर कबाड़ी का सामान लगाना तो कबाड़ी का लगा लीजिए, वहाँ अच्छा अच्छा सामान मिल जाता है, मिस्त्री भी एक से एक है, आपको ले दुकान मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको यहाँ से 10 मिनट जाना 20 मिनट, कोई नहीं। काम के मामला में हमें ट्रांसपोर्ट नगर जो है, भले ट्रांसपोर्ट नगर बोलते हैं, ट्रांसपोर्टिंग तो होता ही है, लेकिन हम ज़्यादातर गैरेज के मामला में देखें कि बहुत अच्छा है। ड्राइवर लोग के लिए भी मतलब कि आपको यहाँ पर शौचालय बना हुआ है,
हर पार्किंग में शौचालय है। आपको खाना पीना बनाना है तो मतलब साग सब्जी मटन मुर्गा चिकन जो लेना है सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब क्या बताया कि ड्राइवर को जो चीज़ चाहिए सामान खाना पीना हर चीज़, पैसा कहीं ट्रांसफ़र करना है तो मनी ट्रांसफ़र, ग्राहक सेवा केंद्र, मतलब हर चीज़ यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, हम भी निकल रहे हैं, अभी देखिए पूरा कैसे जाम लगा हुआ है, पूरा गाड़ी निकालना है। थोड़ा सा अभी थोड़ा बरसात है, पोजिशन ख़राब है, मार्केट ख़राब है, तो गाड़ी सब लगा ही देता है इधर उधर। हम लोग आ चुके दोस्तों तिल्दा में, तो तिल्दा में लोडिंग में गए थे तो बोला अभी लोडिंग हो नहीं रहा, लंच का टाइम है अभी, तो हम लोग कहे चलो हमारे पास भी टाइम नहीं है, करीब 12 से ऊपर हो गया तो बना नहीं सकते, तब तक हम लोग भी आ गए ढाबा पर खाने के लिए। सब्जी मारे ऑर्डर मिक्स वेजिटेबल है ना रे, हैं मिक्स वेजिटेबल का ऑर्डर मारे हैं तो खा हो के अभी जाएंगे, देखते हैं तब तक। उधर भी लंच हो गया उन लोगों का, फिर लोड होगा अपना, महाराष्ट्र का DOC लोड करने आया है तिल्दा में। हाँ दोस्तों, लोडिंग में आ गए हैं, लोडिंग शुरू हो चुका है मेरा। मुर्गी दाना है, ये जाता है महाराष्ट्र में सांगली उगली, अब कहाँ जाएगा हम एड्रेस मिलेगा तभी पूरा पता चलेगा, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन महाराष्ट्र का ही है, कोल्हापुर आसपास सांगली आसपास इधर कहीं का होगा। अपना लोडिंग चालू है, देखते हैं लोडिंग में होने के बाद। रसातिपाल भी मारना है ना, माल थोड़ा हाइट होता है, ये माल इस माल में थोड़ा मेहनत है, रसातिपाल करना पड़ेगा। और देखिए मेरा गाड़ी लोडिंग चालू है, मुर्गी दाना लोड हो रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों, मैं रसातिपाल हो रहा है और सब मिलजुल के कर रहे हैं, अगर लोडिंग हो चुका है, अब शाम भी हो गया, इधर पूरा लोड आउट कर चुके हैं हम लोग। त्रिपाल दोस्तों पूरा बन चुका है, त्रिपाल बांधते बांधते तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, और एक और मुसीबत है कि टायर पंचर हो गया गाड़ी का, तो टायर भी खोलना पड़ा। यहीं बगल में थोड़ा ही दूर में मतलब एक टायर वाला है, पंचर वाला है, तो उसी के पास दिए हैं बनवाने के लिए। ड्राइविंग लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा ही काम आ जाता है, जैसे कि अभी इसको लोड करवाना, उसके बाद इतना थोड़ा ऊंचा माल है तो त्रिपाल भी बांधने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, और टाइट से त्रिपाल बांधना पड़ेगा। तो इसमें ये मुर्गी का दाना है तो धीरे धीरे चलते चलते माल थोड़ा दबेगा, तो बीच बीच में हम लोग को रस्सी को वापस टाइट करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों पापा रोहित तो अभी टायर पंचर ठीक करवाने के लिए गए हैं, और साथ में बारिश भी आ गया, आज बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो गया है। तो ऐसे भी करीब 8 बजने ही वाले हैं, तो हम जा रहे हैं आटा सानने के लिए, लेट होगा तो सोना हम लोग का मतलब यहीं पड़ेगा, तो आटा वगैरह सान लेते हैं, प्याज वाज सब काट लेते हैं। आज सेव भाजी बहुत जल्दी बन जाता है, तो सेव भाजी बना लेते हैं और रोटी बना लेते हैं।
दोस्तों रोटी तो बना ली है और प्याज वगैरह सब कुछ काट के रखे हैं। तो अभी पापा का फ़ोन आया था कि अभी और टाइम लगेगा, तो जा रहे हैं सेव भाजी बना लेते हैं। सेव भाजी बनाने में बहुत मतलब समय बहुत कम लगता है, जल्दी बन जाता है, तो जा रहे हैं सेव भाजी ही बना लेते हैं। लहसुन और आदि को थोड़ा भूनने में टाइम लगता है, इसलिए उसको पहले डाल देते हैं। अब डाल रहे हैं प्याज और मिर्चा, अब इसको अच्छे से चलाएंगे। प्याज लाल हो गया दोस्तों हमारा, अब इसमें थोड़ा टमाटर डाल देते हैं। अब टमाटर जब तक गलेगा तब तक इसको चलाते रहना, अच्छे से भूनना है। टमाटर भी दोस्तों अच्छे से गल गया है, अब इसमें थोड़ा मसाला डाल देते हैं। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसमें दोस्तों अब थोड़ा सा नमक मिलाना पड़ेगा, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों अभी इस पे पानी डाल दिए थे तो तरी हमारा तैयार हो गया है। तो अब और ये रहा सेव, अब इसमें डाल देते हैं। अब बस इसको इसमें 10 मिनट रखेंगे और फिर हमारा सेव भाजी बनके तैयार हो जाएगा। सेव भाजी बनके तैयार हो चुका है दोस्तों, और पापा भी अभी आ गए, गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हम गए थे थोड़ा ऑफिस में, गाड़ी कागज वगैरह था कंप्लीट करना था पेपर पर, तो वही देखे समय जा रहा था, खुद ही बना दिया है, रोटी बना लिया है, चावल ये बना लिया है, सेव भाजी, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से निकलना है, कागज वगैरह सब मिल चुका हमको, अब निकलते हैं यहाँ से, कोई पेट्रोल पम्प में देखते हैं, रुकते हैं फिर। दोस्तों खाना तो बना चुका है सागर, सेव भाजी, हम लोग चले अब खाने के लिए। प्लानिंग हुआ था पेट्रोल पम्प जाने का, लेकिन अभी क्या हो गया ना कि प्लानिंग चेंज हो गया कि यहीं से खा पी के, क्योंकि सारा चीज़ निकला हुआ था बाहर, तो बोला कि नहीं अब यहीं से खा लेते हैं, सामान भी रख देंगे फिर। तो ठीक है दोस्तों चले खाने के लिए, चलते हैं खा वो करके, देखते कोई अच्छा पम्प मिलता है तो वही पम्प मिला भी सोएंगे फिर दोस्तों। दोस्तों खाना वाना खाओ तो लिए, टाइम तो काफ़ी हो गया, तब प्लानिंग में थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है कि यहाँ पर पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप तो नहीं पहुँच पाए हम लोग, यहीं फैक्ट्री में ही हैं, तो यहाँ पर गार्ड वगैरह सब है, तो फैक्ट्री के अंदर थोड़ा सुरक्षित रहता है आदमी, तो प्लानिंग चेंज हो गया कि इसी फैक्ट्री में सोया जाए और यहाँ से 4 बजे सुबह उठ के चलेंगे फिर। तो ठीक है दोस्तों यहीं पर सोते हैं, क्योंकि जहाँ सुरक्षित जगह रहे वहीं सोना चाहिए आदमी को। रोड पे जाएंगे तो पंप कैसा मिलेगा कैसा नहीं क्या है, तो उसके लेकर के यहीं प्लानिंग हो रहा सोने का। ठीक है दोस्तों हम लोग यहीं पे सोते हैं, यहाँ 4 बजे सुबह उठ के निकलेंगे रायपुर के लिए, फिर रायपुर में कल दिन भर रहेंगे हम लोग, अब हिसाब वगैरह सब करना पड़ता है सेट लोग से, उसके बाद जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बाय और जय हिंद दोस्तों।